आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ की जिला इकाई के द्वारा जिस तरीके से हमारा निरंतर क्रमबद्ध आंदोलन जारी है, उसी कली में आज हम जल सत्याग्रह कर रहे हैं। जिस तरीके से COVID-19 एक बार फिर से पूरे देश में और ना कि पूरे भारत में तीसरी लहर के तौर पे पैर जमा चुका है, वहीं मध्य प्रदेश में होने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उनको लगातार प्रदेश सरकार के द्वारा ऑफलाइन कराए जाने के लिए प्रतिबद्ध किया जा रहा है। लेकिन लगातार NSUI अपने आंदोलनों के जरिए, अपने ज्ञापन के जरिए शासन प्रशासन तक ये बात पहुंचाती रही है कि छात्रों को कोरोना किट का समझना बंद करो। लगातार प्रदेश सरकार द्वारा ऑफलाइन परीक्षा कराने के लिए जोर दिया जा रहा है, लेकिन NSUI की लगातार ये मांग है कि ऑनलाइन परीक्षा हो ताकि छात्र भी सुरक्षित रहें। जैसे कि कई वैज्ञानिकों का ये सुझाव भी आया है कि जो तीसरी लहर वो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए ज़्यादा घातक है, और उसी कड़ी में जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं युवा हैं, उनकी सुरक्षा के मध्य आ चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में होने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उनको लगातार प्रदेश सरकार के द्वारा ऑफलाइन कराए जाने के लिए प्रतिबद्ध किया जा रहा है। लेकिन लगातार NSUI अपने आंदोलनों के जरिए, अपने ज्ञापन के जरिए शासन प्रशासन तक ये बात पहुंचाती रही है कि छात्रों को कोरोना किट का समझना बंद करो। लगातार प्रदेश सरकार द्वारा ऑफलाइन परीक्षा कराने के लिए जोर दिया जा रहा है, लेकिन NSUI की लगातार ये मांग है कि ऑनलाइन परीक्षा हो ताकि छात्र भी सुरक्षित रहें। जैसे कि कई वैज्ञानिकों का ये सुझाव भी आया है कि जो तीसरी लहर वो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए ज़्यादा घातक है, और उसी कड़ी में जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं युवा हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज हम NSUI साथी छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए बड़बड़ाती ठंड में नर्मदा के ठंडे पानी में सत्याग्रह कर रहेंगे। हमारी मांग है कि राज्य सरकार परीक्षाएं ओपन बुक प्रणाली से आयोजित करवाएं अथवा ऑनलाइन करवाएं। लगातार छात्र कोरोना पॉजिटिव निकल जाएंगे, कई छात्रों की अभी ICU में है, उनको राज्य सरकार ने दूसरा मौका तो दे दिया लेकिन अभी तक कोई भी नियम स्पष्ट नहीं किया। शिक्षा मंत्री हमारी मांगे पूरी करो। हमारे मांगे पूरी करो। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मुर्दाबाद। छात्र कोरोना किट समझना बंद करो। शिक्षा मंत्री होश में आओ। ऑनलाइन करवाएं। लगातार छात्र कोरोना पॉजिटिव निकल जाएंगे, कई छात्रों की अभी ICU में है, उनको राज्य सरकार ने दूसरा मौका तो दे दिया लेकिन अभी तक कोई भी नियम स्पष्ट नहीं किया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।